आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। मेरा नाम है सचिन। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ वाले बाबा की दरगाह, जो कि धौलपुर में काफ़ी फेमस है ये दरगाह, और जिसे अब्दुल बाबा शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैं वही उसी रोड पर खड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों, ये रोड पीछे आप मेरे देख रहे हैं दोस्तों, ये मछुन जाने का रोड है, जो कि धौलपुर की काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पर मंदिर है काफ़ी सारे, और जो पीछे देख रहे हैं पहाड़ पर दरगाह मौजूद है, वहीं पर ही हम जाने वाले हैं और बाबा जी का दीदार कराने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो वैसे तो अभी हम जाएंगे यहाँ से मछुन की ओर। फिलहाल अभी जो दरगाह पड़ी है बीच में, तो मैं सोचा आपको दीदार करा देता हूँ बाबा जी का। तो अभी जो दरगाह देख रहे हैं दोस्तों, ये पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे, और हम अपनी एक्टिवा गाड़ी से आए हुए हैं, जो कि मेरे पीछे खड़े हुए, मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे दो दोस्त हैं जिनके साथ मैं आया हूँ अभी धौलपुर राजस्थान में। और पीछे दरगाह जो कि पहाड़ के ऊपर है अभी हम। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं पहाड़ के ऊपर जाने के रास्ते की ओर, और कराते हैं आपको बाबा जी का दीदार। सो गाइस, यह है दरगाह के ऊपर जाने का रास्ता। और गाइस, यहाँ दरगाह जाने के लिए दो रूट बनाए गए हैं, और जो ये रूट थे आप देख रहे हैं दोस्तों, सामने यह राइट साइड में बना हुआ है। ये काफ़ी लंबा रूट है, और जिस रूट से अभी हम जा रहे हैं वो दोस्तों काफ़ी शॉर्ट रास्ता है दरगाह जाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास बाइक या एक्टिवा है तो ऊपर आसानी से पहुँच सकते हो आप, नहीं तो आप पैदल ही जा सकते हो। ज़्यादा ऊँचा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर दूरी हो सकती है। और यहाँ से अगर आप जाना चाहते हो तो टेम्पो की सुविधा भी यहाँ से उपलब्ध है ऊपर जाने के लिए। फिलहाल अभी हम दरगाह की ओर जा रहे हैं। ऊपर के नज़ारे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी जो पहाड़ के ऊपर जो दरगाह बनी हुई है, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अब्दुल शाह बाबा की दरगाह, जो कि धौलपुर मछकुंड रोड पर स्थित है। और अभी हम ऊपर पहुँच ही चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं अब आपको। गाइस, अभी हम पहाड़ के ठीक ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो दोस्तों, यह दरगाह यहाँ की, और पीछे एक मज़ार है यहाँ पर, जो कि दरगाह से पहले पड़ती है पीछे की साइड में, और इधर की साइड में पूरा धौलपुर राजस्थान सिटी। तो ये दरगाह भी हम दरगाह की ओर जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ के थोड़े बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ। और धौलपुर सिटी का जो नज़ारा है दोस्तों, काफ़ी देखने लायक दिख रहा है। यहाँ से पूरा धौलपुर सिटी नज़र आ रहा है मेरे पीछे की ओर। तो उधर की साइड चलकर दिखाता हूँ यहाँ का थोड़ा सीन आपको मैं। सो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, दिख रहा है यहाँ से पहाड़ के ऊपर से धौलपुर सिटी का नज़ारा। तो काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पर घर दिखाई दे रहे हैं आपको पीछे की ओर। तो पूरा पूरा धौलपुर सिटी काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दरगाह के बाहर एक मज़ार बनी हुई है। तो ये मज़ार के बाहर के नज़ारे हैं, और अभी हम चलते हैं दरगाह की ओर और दिखाते हैं आपको कैसी दरगाह यहाँ की। तो दरगाह उधर की साइड में, यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह दरगाह पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, और इस दरगाह का नाम है हज़रत शरीफ अब्दुल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह धौलपुर शरीफ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और दिखाते हैं आपको दरगाह कैसी है। गाइस, अभी हम जा रहे हैं दरगाह की ओर, और पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें, यहाँ पर चादर वगैरह मिल रही हैं बाबा जी की दरगाह में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें, सारी दुकानें हैं। तो इधर है दरगाह। तो अभी हम चलते चलिए दोस्तों, दरगाह के अंदर चलते हैं और कराते हैं आपको बाबा जी का दीदार। देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पीछे दरगाह है, और दरगाह के ठीक सामने कुछ तीन मज़ारे और बने हुए मेरे पीछे देख सकते हैं आप दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं दरगाह के अंदर और देखते हैं कैसी है दरगाह।
कितनी पुरानी दरगाह है अंकल जी? दरगाह काफ़ी भोलपुर की दरगाह शरीफ 700 साल पुरानी दरगाह है और आपकी चालक हर महीने सरकार की चौथी शरीफ मनाई जाती है यानी चांद की चार तारीख को। जी जी। और हर जगह वहाँ से भांजे हैं, वहाँ छठी मनती है तो यहाँ चौथी मनाई जाती है। आपका नाम हजरत शरफ अब्दाल शाहनवाज रहमतुल्लाह अली धौलपुर शरीफ राजस्थान पहाड़ वाले बाबा जी की दरगाह उनके नाम से मशहूर है। अभी मैं दरगाह के बाहर की ओर आ चुका हूँ और पीछे है बाबा जी की दरगाह। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाबा जी का दीदार करके आ रहे हैं बाहर की ओर और मैंने आपको दीदार कराया बाबा जी का, तो काफ़ी अच्छी दरगाह है दोस्तों। यह एक पहाड़ के ऊपर बने हुए है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है और काफ़ी अच्छी लोकेशन दिख रहा है यहाँ से धौलपुर सिटी का पीछे दिख रहा है। और दोस्तों यह जो दरगाह है वो 700 साल पुरानी है और दोस्तों यह 3 बार बन चुकी है। पहले ये 3 सेट डला हुआ था यहाँ पर, अभी पक्के तरीके से बना दी गई है, काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रही है, आपको पीछे देख रहे होंगे दोस्तों। और इधर के साइड में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बाबा जी का दीदार करने के लिए आए हुए हैं। तो गाइस देख लीजिए पीछे का सीन कुछ ऐसा है धौलपुर सिटी का, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। दरगाह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों और बताना चाहूँगा दोस्तों यह दरगाह काफ़ी अच्छी है और पहाड़ के ऊपर होने की वजह से काफ़ी अच्छा लोकेशन है देखने के लिए, अच्छी जगह है घूमने के लिए भी, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो एक बार ज़रूर। अगर आप मछकुंड की ओर जा रहे हो तो मछकुंड जो रोड है वहीं से रास्ते में पड़ती है दरगाह जो कि पहाड़ के ऊपर बनी हुई है और जो 700 साल पुरानी है। सो देख लीजिए दोस्तों जो धौलपुर सिटी राजस्थान का नीचे का सीन जो कि अभी मैं पहाड़ के ऊपर से सीन शूट कर रहा हूँ, तो चलिए उसको बैक कैमरे से यहाँ का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको दीदार कराया हजरत शरीफ अब्दुल खान बाबा की दरगाह, जिसे पहाड़ वाले बाबा दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धौलपुर राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों यह दरगाह धौलपुर राजस्थान में जो मशहूर रोड जाता है वहीं उसी रोड पर पड़ती है, तो काफ़ी अच्छी दरगाह है जो कि पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है देखने लायक दरगाह है। और गाइस अगर आप धौलपुर विज़िट करते हो तो इस दरगाह में विज़िट ज़रूर करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय माता दी।